आपने उसे एक मक के तौर पर इस्तेमाल करना है उसे रब करने के साथ इट आ फ्यू टाइम्स कुछ दफ़ा इन द सेम डायरेक्शन एक ही सिमत के अंदर विद नॉर्थ और साउथ पोल नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में ऑफ आ स्ट्रॉन्ग बार मैगनेट एक स्ट्रॉन्ग बार मैगनेट के साथ टाई वन एंड ऑफ आ थ्रेड आपने एक एंड को एक सिरे को थ्रेड के साथ टाई कर देना है बांध देना है विद विदल सुई के साथ एंड अदर विद द पेंसिल और दूसरे को पेंसिल के साथ सस्पेंड इट इन एन एम्पी ग्लास और आपने उसे एक खाली ग्लास के अंदर लटका देना है एज इन द फिगर जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है सो दैट इट कैन मूव फ्रीली जिसकी वजह से ये आजादा हालत में मूव कर सकती है ऑब्जर्व इन विच डायरेक्शन द निडल कम्स टू रेस्ट आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी सिमत के अंदर जो निडल है सुई जो है वो कौन सी सिमत में रेस्ट में आती है डिस्टर्ब द निडल आपने निडल को हिलाना झुलाना है डज इट कम टू रेस्ट अगेन इन द सेम डायरेक्शन क्या वो उसी हालत के अंदर रेस्ट की पोजिशन में आती है रेस्ट की सीमत में आती है डज इट स्टे ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या फिर ये नॉर्थ और साउथ की सीमत में ही हमेशा रहेगी मैग्नेटिक मैगनेटिक इज आल्सो मेड ऑन दिस प्रिंसिपल मैग्नेटिक कम्पस को इसी प्रिंसिपल पर बनाया जाता है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन एट एनी प्लेस क्या ये इस्तेमाल होती है किसी भी सिमट में वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू नो द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपस हम एक तजुर्बा करेंगे जिससे हमें मालूम होगा कि हम मैग्नेटिक कंपस का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे कर सकते हैं एक्टिविटी सेवन पॉइंट थर्टीन टू नो डायरेक्शन एट एनी प्लेस किसी भी जगह पर सिमत को मालूम करने के लिए या जानने के लिए पूटा मैगनेटिक कम्पस हम मैगनीटिक्पस का इस्तेमाल करते हैं ऑन अ टेबल आर ग्राउंड किसी मेज़ पर या फिर किसी ज़मीन पर इट्स नीडल विल स्टे अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसकी जो सुई होती है निडल होती है वो स्टे करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही इन शोर देर इज़ नो अदर मैगनेट आर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन नीडेड आपने इस बात को यकीन बनाना है कि कोई भी आयरन की बनी हुई चीज या मैग्नेट उसके नज़दीक ना हो रोटेट द कम्पस स्लोली द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज अलाइंट आपने कम्पस को आहिस्ता से रोटेट करना है घुमाना है और उसे अलाइन करना है नॉर्थ पोल की जानिब विद द नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन के पास ऑफ द डू यू नो ए मैग्नेटिक चिप इज बिल्ड इन अ क्रेडिट कार्ड ऑफ अ बैंक बैंक के अंदर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके अंदर एक चिप जो होती है वो मैग्नेट की बनी होती है द ए टी एम मशीन इज प्रोग्राम टू रीड द डाटा ऑफ द यूज़र और ए टी एम मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो यूज़र का डाटा रीड कर सकती है प्रेजेंट इन द चिप जो उस चिप के अंदर होता है इन दिस कंडीशन द मैग्नेटिक मैगनेटिक्पस विल इंडिकेट करेक्टली द फोर डायरेक्शन ऑन इट और इस तरह से जो मैग्नेटिक मैगनेटिक्पस है ये इसके अंदर फोर डायरेक्शन जो बताई जाती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उनको ये बताती है टाइप्स ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक मैग्नेट की कितनी टाइप्स हैं मकनादीस के कौन कौन से इकसाम हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक तीन इकसाम के मकनातीस होते हैं टेम्परेरी मैगनेट परमानेंट मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट टेम्परेरी और परमानेंट मैगनेट टेम्परेरी और परमानेंट मैगनेट कौन से होते हैं इनके नेम से भी इंडिकेट है लेटस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई टेम्परेरी एंड परमानेंट मैगनेट्स एक्टिविटी सेवन पॉइंट फोर्टी नंबर वन क्लैम्प अस्ट्रॉग बार मैगनेट इन अ हॉरिजोंटल पोजिशन विद अ स्टैंड आपने स्ट्रॉन्ग बार मैगनेट को हॉरिजोंटल पोजिशन से स्टैंड के साथ लटकाना है ब्रिंग अ टाइनी आयरन नेल नियर इट्स वन पोल आपने उसके एक पोल के नज़दीक आयरन नेल्स जो हैं वो लेकर जाने हैं डज इट स्टिक टू द मैगनेट क्या वो मैगनेट के साथ अटैच हो गए हैं टेक अनदर आयरन नेल आपने एक और आयरन नेल लेना है कील लेना है लोहे के जो कील होते हैं उनको एंड ट्राई टू हैंग इट विद द फर्स्ट नेल और उनको फर्स्ट नेल के साथ पहले कील के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है वाई डज़ इट स्टिक टू द फर्स्ट नेल ये क्यों फर्स्ट नेल के साथ पहले कील के साथ जुड़ गए हैं द रीज़न इज दैट द फर्स्ट नेल हैज़ बिकम अ मैगनेट क्योंकि जो पहला नेल है पहला कील जो है वो मैगनेट बन चुका है अंडर द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रोंग मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट के अंडर ऑफ़ द बार मैगनेट बार मैगनेट के कॉन्टिन्यू हैंगिंग एज मैनी एज नेल्स आपने इसी तरह बहुत सारे नेल्स को कॉन्टिन्यू करना उन्हें हैंग करते जाना है वन बाई वन एक एक करके एज कुड बी हेल्ड बाय द मैगनेट जैसा कि उन्होंने मैगनेट के साथ अटैच किया है इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ नेल्स इस तरह से वो नेल्स की कीलों की एक चेन बना देंगे नाउ हैंग सम स्टील नेल्स अब आपने स्टील के नेल्स लेने हैं टू द अदर पोल ऑफ द मैगनेट मैगनेट के दूसरे पोल पर इन द सेम मैनर इसी तरह से वट डू यू ऑब्जर्व आपने क्या नतीजा ऑब्जर्व किया ना रिमूव द आयरन चेन आपने आयरन की जो चेन है नेल्स की उसे रिमूव कर देना है बाई पुलिंग द टॉप नेल फर्स्ट नेल को खींचना है आपने अवे फ्रॉम द मैगनेट मैगनेट से दूर वट हैपन एंड वाई क्या होगा और क्यों होगा ये द आयरन नील्स विल नो लॉन्गर स्पोर्ट इच अदर एंड फॉल डाउन जो आयरन के नेल्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएंगे नाउ रिमूव द स्टील चेन अब आपने इसी के साथ स्टील की चेन को भी रिमूव कर देना है फ्रॉम द टॉप टॉप से वट डू यू ऑब्ज़र्व आपने क्या ऑब्ज़र्व किया यू विल सी दैट आपने देखा है आयरन चेन कोलेपसिस आयरन के जो नेल है आयरन की जो चेन है वो आपस में टकरा गए हैं वे रह स्टील चेन डिड नॉट और जो स्टील की चेन है उन्होंने ऐसा नहीं किया इट मीन्स दैट आयरन नेल्स टेम्पोरीली बिकेम मैगनेट्स बिकम मैगनेट्स इसका मतलब ये है कि जो आयरन के नेल हैं आयरन के जो कील हैं वो टेम्पोरेरी तौर पर मैगनेट के बन चुके हैं उनका अधर रह जबकि दूसरी तरफ जो है स्टील नेल्स रिटेन देयर मैगनेटिज्म जो स्टील के नेल हैं उन्होंने अपना मैगनीटिज्म जब वो बरकरार रखा है एंड बिकम परमानेंट मैगनेट्स और वो परमानेंट मैगनेट्स बन चुके हैं मैग्नेट्स मेड बाय आयरन आर टैम्प्रेरी मैग्नेट्स वो मकनातीस जो लोहे से आयरन से बने होते हैं वो टेम्प्रेरी मैग्नेट्स होते हैं वाइल द मैग्नेट्स मेड बाय स्टील आर परमानेंट मैग्नेट्स और जबकि वो मैग्नेट्स जो स्टील से बनते हैं वो परमानेंट रहने वाले मकनातीस होते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो Electro का मतलब क्या होता है बर्की मकनातीस कैन मैग्नेट बी मेड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट क्या कोई मैगनेट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मगनतीस बन सकता है लेटस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट से हमने इसको मालूम करना है एक्टिविटी सेवन पॉइंट फिफ्टीन विंड एंडसुलेटेड कापर वायर आपने एक इंसुलेटेड कापर वायर को विंड देनी है हवा देनी है वेरी क्लोजली ओवर एन आयरन नेल आयरन नेल के बहुत नज़दीक है आर आ रॉड या फिर किसी रॉड के सो दैट इट बिकम्स अ लॉन्ग कॉयल जिसकी वजह से वो एक लंबी कॉयल बन जाएगी अटैच द कनेक्टिंग वायर्स टू द टू एंडस ऑफ द कोयल आपने कॉयल के दोनों एंड्स पर कनेक्टिंग वायर्स को अटैच करना है एंड कनेक्ट दम टू बैटरी और उनको बैटरी के साथ जोड़ देना है थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर और उसे एक स्विच के साथ जोड़ना जा सके पिक्चर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है द स्विच ऑफ़ एंड ब्रिंग सम स्टील पिन नियर वन एंड ऑफ द नेल आपने नेल के एक एंड पर पिंस को लेकर आना है और स्विच को ऑफ कर देना है डस द नेल अट्रैक्ट दम क्या नेल्स ने उनको अट्रैक्ट किया टर्न द स्विच ऑन और अब आपने स्विच को ऑन करना हैल अट्रैक्ट द पिन ना और अब आपने देखना है और बताना है कि क्या पिन को अब नेल्स ने अट्रैक्ट किया है अगर हाँ तो कैसे वट इनफेडस डो यू ड्रा फ्राम इट आपने इससे क्या नतीजा अगज़ किया है प्रिडिक्ट वट विल हैपन इफ़ द करंट इज स्विच off. क्या आप कोई पेश कोई कर सकते हैं अगर करंट ऑफ है स्विच ऑफ़ है तो करंट किस तरह से है टर्न द स्विच ऑफ टू वेरीफाई योर प्रिडिक्शन आपने स्विच को ऑफ करना है और अपने प्रिडिक्शन को वेरीफाई करना है वट डू यू कंक्लूड from दिस एक्सपेरिमेंट आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया है वैन एन आयरन नेल rod इज placed इन अ करंट कैरिंग coil जब भी करंट कैरिंग कॉयल के नज़दीक आयरन नेल या रॉड होगी इट बिकम्स अ मैग्नेट वो मैग्नेट के तौर पर अमल करेगा दिस इज नोन एज इलेक्ट्रो मैगनेट इस प्रोसेस को इस अमल को इलेक्ट्रो मैगनेट कहते हैं इलेक्ट्रो मैगनेट इज अ टेम्प्रेरी मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट जो है ये एक टेम्प्रेरी मैगनेट है इट डज नॉट रिमेन अ मैगनेट और ये मैगनेट नहीं रहता वेन इट करंट इज स्टॉप इन द कोयल जब करंट जो है वो कॉयल में से स्टॉप कर दिया जाता है जैसा कि इसके पास इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेगा तो ये करंट जो है वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगा अगर इसके पास इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो ये मैग्नेट के तौर पर एक्ट नहीं करेगा अलहमद ला हमारा ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मुकम्मल हो चुका है अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें अगर आपको मेरी ये वीडियोज अच्छी लगे इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग फी अमान ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा